अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो. हम बात कर रहे हैं द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस वेंचर. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस की, और हमने ये कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो इतने क्लियर नहीं होते हैं. आप बस एक या दो लोगों की या तीन लोगों की टीम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर ग्रोइंग, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फिर बिजनेस स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एजेंडा इस वीडियो का ये है कि एक तो आपको हम फेमिलराइज करवाएंगे डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ, और फिर मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं एक छोटे बिजनेस वेंचर से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. लार्ज कॉरपोरेशन में तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हायरार्कियल चार्ट उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, स्मॉल बिजनेस में नहीं मिलता. हम उसकी वजह भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या. बेसिकली ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन है. विजुअल प्रेजेंटेशन क्या है कि कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है वो शो करता है कि व्हाट एम्प्लॉयज डू, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड. यानी एम्प्लॉयज बेसिकली करते क्या हैं, नंबर टू किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, नंबर तीन आपको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रही है, क्विक है या डेलीगेटेड डिसीजन मेकिंग स्टाइल है. उसके अलावा एक लोग कितने लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और नंबर टू आपके पास कितनी एक टीम है और रिपोर्टिंग किस किस को हो रही होगी. सो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप बुक्स में देखेंगे और किसी इंडस्ट्री में भी चले जाएं तो आपको नज़र आएगा या तो वो फंक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, या प्रोडक्ट बेस्ड होगा, या मार्केट बेस्ड होगा, या ज्योग्राफिकल बेस्ड होगा. आपको फेमिलराइज करवाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ ताकि आप ये आइडिया ले सकें कि अगर आपने अपना बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. सबसे पहले तो आ जाते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. इफ़ यू लुक एट द इमेज ऑन योर स्क्रीन तो आपको ये आइडिया होगा कि किसी भी लार्ज कॉरपोरेशन में आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है, और ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट अलग होता है. इसी तरह अगर उनके पास कोई इंटरनेशनल मार्केट्स को वो डील कर रहे हैं तो उसका डिपार्टमेंट अलग होता है. यानी आपने अपनी टीम्स बनानी है. इन अदर वर्ड्स, अब आ रहे हैं हम छोटे स्मॉल स्केल के लिए. डिपार्टमेंटलाइजेशन तो लार्ज कॉरपोरेशन के लिए खैर इस्तेमाल होती है, स्मॉल स्केल के लिए आ जाते हैं. स्मॉल स्केल का मतलब यह है कि अगर आपने टीम्स बनानी है तो आपके जहन में क्या आता है, टीम्स कैसे बना सकते हैं. टीम्स आप भी ऐसे ही बना सकते हैं कि आप किसी को रख सकते हैं कि ये मेरी मार्केटिंग रिलेटेड इशूज़ को डील करेगा, ये मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैंटेन करेगा, इसी तरह ये मेरे लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको जो है वो डील करेगा. बाज़ूकात आपकी टीम छोटी होती है और वो मल्टीपल काम कर रही होती है. सो एक तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है, तो वो स्ट्रक्चर बेस कर रहा होता है मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर. फिर आ जाता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस स्ट्रक्चर. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं. आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का, या चलें हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर का नाम एक ही है. ड्यू टू दी सर्टन रीजन्स हम उनका नाम नहीं ले सकते, बट आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो यू नो इट ऑलरेडी. एक ही एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर अपने ही नाम से बिजनेस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है तो उसने हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना फैन पेज या अपना जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो अलग बनाया होता है. Why? Because they are dealing in multiple products. तो वो product wise अपनी teams बनाते हैं. Likewise, एक entrepreneur हैं जो कि फिलहाल ready to wear के अंदर भी deal करती हैं. तो ready to wear एक product है, उस product की team, चाहे वो marketing हो, चाहे वो financial record maintain कर रही है, या फिर चाहे वो legal aspects को देख रही है, वो team बिल्कुल अलग है और वो अपनी जो digital presence है उसको बिल्कुल अलग deal कर रही है. लाइकवाइज अगर उनकी जो सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज़ द ब्यूटी प्रोडक्ट, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल एक अलग टीम उन्होंने हायर की हुई है. उसका ऑफिशियल जो है इंस्टा या फेसबुक का पेज बिल्कुल अलग है. वो जो टीम मार्केटिंग कर रही है वो अलग है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है वो अलग है. इसी तरह आप कोई और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लें, जिस तरह अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें कोई फूड के अंदर डील कर रहा है तो उसकी भी टीम्स बिल्कुल अलग हैं.
सो अगर आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर बना लें। फिर हम आ जाते हैं कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में डील नहीं कर रहे बट मल्टीपल मार्केट्स में डील कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट बेस्ड कर लें। आपने देखा होगा कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर मार्केट के अंदर भी डील कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट मार्केट को भी डील कर रहे होते हैं, और जो बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में भी डील कर रहे होते हैं। उसकी उनकी प्रोडक्ट इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने देखे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आम कंज्यूमर के लिए भी बना रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि वो बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी बना रहे होते हैं। सो अगर तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आपकी जो है वो बिजनेस जो है अब वो ग्रोथ स्टेज पर आ गया और आपको लगता है कि आपको मार्केट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, तो फिर आप यूं करते हैं कि आप मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक कंज्यूमर मार्केट होगी। इफ़ यू लुक एट द इमेज, तो इमेज से भी यही शो हो रहा है कि एक तो आ गई आपकी कमर्शियल या कंज्यूमर मार्केट, उसकी टीम आप मुकम्मल तौर पर अलग हायर करते हैं। इसी तरह अगर आपके वो गवर्नमेंट में डील कर रहे हैं तो उसके लिए मार्केट आप बिल्कुल अलग हायर करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे होंगे जो लोकल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में डील कर रहे होते हैं, उनकी लोकल मार्केट की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उनकी इंटरनेशनल मार्केट की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सो अगर डिपेंडिंग अगेन ऑन द आइडिया, ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विसेज ऑफ योर बिजनेस, आपको मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर भी सूट कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, ख़ास तौर पे वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर डील कर रहे होते हैं, सो दे कैन डू इट। और वो ये कि लेट अस सपोज के उनके पास दो बिल्कुल अलग अलग ज्योग्राफिकल मार्केट्स हैं, लेट अस सपोज कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में डील कर रहे हैं और कहीं वो साउथ एशिया में डील कर रहे हैं। दोनों मार्केट्स बिल्कुल अलग हैं, दोनों के वेदर्स बिल्कुल अलग हैं, दोनों के ज्योग्राफिकल जिसे कहते हैं बाउंड्रीज अलग होने की वजह से वहाँ का कल्चर, वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के बिकने वाली प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग हैं। तो ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकते हैं। सो फॉर एवरी, इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एवरी डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिविजन आपकी एक अलग टीम, और वो टीम सिर्फ उसी ज्योग्राफिकल मार्केट को देख रही होगी। उसके अलावा ज़्यादातर जब आप बिजनेस अपने वेंचर शुरू करते हैं तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स आपको बड़े फ्लैट नज़र आते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि इम्प्लॉयज़ हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू देयर सीनियर लीडरशिप, बहुत ही फ्लैट। CEO है और उसके साथ उसकी टीम है और टीम डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर रही होती है। आपने देखा होगा अक्सर बिजनेस वेंचर्स जब शुरू होते हैं बहुत ही फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है और उसके साथ के तीन चार लोग होते हैं टीम के अंदर और वो डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर वेंचर और कोई आपसे ये पूछे कि आपने अपनी अपने इस वेंचर को किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारा बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर है, यानी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है। फ्लैट स्ट्रक्चर के अलावा टॉल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। टॉल स्ट्रक्चर्स व्हेन यू आर एट अ ग्रोइंग स्टेज। टॉल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अब आपकी लंबी चौड़ी एक टीम है। इफ़ यू लुक एट द इमेज यू विल गेट एन आइडिया कि टॉल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मल्टीपल लेयर्स हैं, यानी कोई लेवल वन के ऊपर है लेबर है आपकी, लेबर के ऊपर आपने एक सुपरवाइजर रखा है, सुपरवाइजर के ऊपर आपने एक ऑपरेशनल मैनेजर रखा है, उस वो ऑपरेशनल मैनेजर किसी सीनियर को रिपोर्ट कर रहा है, वो सीनियर फिर अपने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी टॉल स्ट्रक्चर और ये यूजुअली तब डेवलप होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ग्रो कर जाएं, यानी ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस है जब वो मीडियम साइज, आपके पास 200 300 400 एम्प्लॉयज़ हो जाएं, आपका प्रोडक्शन फ्लोर बहुत बढ़ जाए, तो आपको ये टॉल स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि आपके जो सुपरविजन है वो अच्छी हो सके। अच्छा, अब अगर आपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि क्या इन स्ट्रक्चर्स की एक आम एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है या नहीं है और ये किस तरह से अलग होते हैं। अगेन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, ये स्ट्रक्चर्स लार्ज कॉरपोरेशन में तो आपको उनकी वेबसाइट पे भी हायरार्कियल चार्ट मिल जाता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में क्यों नहीं मिलते? बिकॉज अगेन इनिशियली स्ट्रक्चर्स ब्लर होते हैं, नंबर एक, यानी कि छोटी सी टीम है और वो टीम मल्टीपल काम कर रही है इसलिए फिलहाल स्ट्रक्चर्स आपको नज़र नहीं आ रहे होते। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप ही ज़्यादातर
तमाम रिसोर्स को डील कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो रही होती है बड़े फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ. उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मल्टीपल रोल्स, आप बींग अ मैनेजर, यानी बाज़ात ऐसा होता है कि आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आप अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं, डिसीजंस भी देख रहे हैं और आईटी को भी खुद देख रहे हैं. सिर्फ मार्केटिंग और फाइनेंस के लिए आपने किसी और को हायर किया होता है. सो आप मल्टीपल रोल्स आपने प्ले कर रहे हैं. स्ट्रक्चर्स, अगेन हमने कहा था ग्रोइंग फर्म्स जो है उसकी नीड है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और R&D एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इनिशियली हमको स्मॉल स्केल बिजनेसेस में नज़र नहीं आता. और स्मॉल स्केल की, शैम पीटर ने जैसे कहा था कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसलिए कर सकते हैं बिकॉज देयर स्ट्रक्चर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल. आप सुबह आएँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दें. यू आर द ओनर, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो पहले प्रोडक्ट बेस्ड था आप मार्केट बेस्ड क्यों कर दिया है. सो दीज आर देयर फ्यू डिफरेंसेस जो कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के या माइक्रो एंटरप्राइज के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं. बट डे एंड के ऊपर द कंक्लूजन इज कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप करने चाहिए, करने पड़ते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस. इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि जितने वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आपके होंगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रोसेसेस जो हैं वो आपके ऑपरेशंस और प्रोसेसेस रिफाइन हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.